الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. इस हदीस शरीफ के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु है, मशहूर सहाबी हैं और हदीस की रिवायत में नंबर एक पर हैं सहाबा में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। आपने अक्सर हदीसें सुनी होंगी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सबसे ज़्यादा हदीसें इन्हीं से मरवी हैं। फिर इसके बाद दूसरे सहाबात हैं, हज़रत आयशा हैं, अब्दुल्ला बिन उमर हैं, अब्दुल्ला बिन अम्र इब्नुल आस हैं, ये कसीरुन रिवाया ज़्यादा रिवायत करने वाले सहाबी, उसमें हज़रत अबू हुरैरा सबसे नंबर एक पर है। तो इनका नाम तो कुछ और है, इनका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने सख्र, और बाज़ लोगों ने अब्द शम्स बताया तो तदबीक ये थी कि ज़माना जाहिलियत में अब्द शम्स था, सूरज का बंदा, और ज़माना इस्लाम में अब्दुर्रहमान नाम रखा गया, अब्दुर्रहमान इब्ने सख्र। अबू हुरैरा फिर क्यों लक़ब पड़ा? हुरैरा कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, तो हिर्रुन बिल्ली, तो बताया जाता है ये ख़ुद कहते हैं कि बिल्ली से ये खेला करते थे, शुगल था, यानी बिल्ली पाल रखी थी, बिल्ली पालने का इनका मशगला था, तो इनको अबू हुरैरा बिल्ली वाले, बिल्ली वाले अबू वाले को कह देते हैं, बाप को भी कहते हैं वाले को, तो वहीं से नाम चल गया अबू हुरैरा बिल्ली वाले, बिल्ली वाले, यही मशहूर हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही अबू हुरैरा रखा। यमन के सहाबी हैं, यमन के, और मदीना मुनव्वरा में सन 7 हिजरी में आए, सन 7 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए, यहाँ मदीने में आए, और फिर बस आप ही के होकर के रह गए, फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ही के होकर रह गए, और गुस्से में आकर कभी कभी वो कहते थे, जब लोग कहते थे क्या बात है अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करते हैं, तो कहते थे, लोग कहते हैं अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करते हैं, मुझे शौक़ नहीं है बयान करने का, बस हुज्जत को पूरा करने के लिए और अल्लाह के यहाँ जवाबदही से बचने के लिए बयान करता हूँ। सब लोग तो अपने बागों में मशगूल रहते थे, कोई तिजारत में रहता था, मुहाजिरीन तिजारत करते थे, अंसार खेती बाड़ी और बागात में मशगूल थे, तो कहते हैं ये सब लोग तो मशगूल थे अंसार और मुहाजिरीन, और मैं सब कुछ छोड़ के हुजूर ही का होकर के रह गया था, कहीं ना जाना ना आना, हुजूर जो दे दें वही खा लेता, और जब बुला लें जब आ जाता, और लोग नहीं रहते मैं मौजूद रहता, और जाहिर है जो ज़्यादा मौजूद रहेगा ज़्यादा बातें सुनेगा हुजूर की और ज़्यादा याद रखेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की, वाकया भी बताया कि एक मरतबा कहा कि तुम अपनी चादर खोल के फिर बंद कर लेना तो इंशाल्लाह भूलोगे नहीं, तो उन्होंने ऐसा ही किया, हुजूर ने दुआ की, फिर उन्होंने चादर को बंद कर लिया, फिर माशाल्लाह हफ्जा भी बहुत अच्छा दिया अल्लाह तबारक व ताला ने,
लेकिन कुर्बानी दी। कहते हैं कि हुजूर ही का होकर के रह गया था, बेहोश हो जाता था, खाने को नहीं मिलता था कभी कभी, तो बेहोश हो जाते थे मस्जिद नबवी के करीब, गशी तारी हो जाती थी। लोग समझते थे मिर्गी का दौरा पड़ गया, जूता सुंघाते थे, तो मिर्गी नहीं थी वो, गशी थी। और कोई गुजरता तो पूछता नहीं था, मैं सोचता था कोई तो ले जाए मुझे अपने घर, तो कोई नहीं समझ पाता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा गुजरे, मैं ऐसे ही पड़ा हुआ था, कहा अबू हुरैरा, मैं पीछे हो गया, मैं तो इसी इंतज़ार में था, मांगने की आदत थी नहीं, लेकिन ज़रूरत ऐसी कि खुद कोई ले जाएगा तो चले जाएंगे। तो हुजूर ने कहा चलो, समझ गए वो, फौरन चले पीछे पीछे। तो घर में गए तो एक दूध हदिये में आया था, दूध का प्याला वो पेश किया गया। तो अबू हुरैरा कहने लगे यार कुछ तो अब अल्लाह ताला की तरफ से आ गई मदद। तो हुजूर ने तो कह दिया जाओ अहले सुफा को बुला लाओ। अहले सुफा कौन थे? उन्हीं के मानीटर थे अहले सुफा के, अबू हुरैरा, वो जो सब छोड़ के आ जाते थे और मदीने में हुजूर की खिदमत में आते थे सीखने के लिए, वही अहले सुफा थे। उनका घर बार नहीं था, हुजूर जो दे देते वही खाते थे वो, जिससे समझो आजकल का मदरसा वो मदरसे की इब्तिदा है वो सुफा। तो वो दारुल इकामा भी वही था, वहीं रहना वहीं खाना, मस्जिद के करीब ही वो एक चबूतरा टाइप का बना हुआ था, कुछ साहिबान भी होगा वहीं रहते थे वो। तो कहने लगे जो बुला लाओ। तो यार बड़ा अफसोस हुआ कि अब तो एक प्याला दूध है, मेरा ही काम नहीं होता इसमें, तो अब कहने लगे बुला लाओ। अंदर सोचा, लेकिन फिर कहने लगे कि अब हुजूर ने फरमा दिया तो बुलाना ही है, तो बुलाया भैया, बुला रहे हैं साहब। तो सब लोग आ गए, वो जितने भी थे उनकी तादाद घटती बढ़ती रहती थी, बाज मरतबा 70 तक पहुंच जाती थी, कभी 50 कभी 40 ऐसे। सब लोग आ गए पीछे पीछे, सोचने लगे मुझसे ही कहेंगे पिलाओ, और पिलाने वाले का नंबर सबसे आखिर में आता है, क्योंकि ये इस्लामी उसूल है। आजकल तो क्या बांटने वाला पहले ही अपने लिए अलग रख लेते हैं कि मिले या नहीं मिले, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि साकिल कौम आखिरुहुम शुरबन, के कौम को पिलाने वाला आखिर में पीता है, बच जाएगा तो पी लेगा, नहीं तो बचाने बचाने का। तो मुझसे कहा पिलाओ, जो डर था वही कह दिया कि पिलाओ। सबको पिलाया, देखता जा रहा था, पी गया फिर भी बच गया, अगले वाले को ये पी लिया फिर भी बच गया, सबने पी लिया, बरकत अल्लाह तबारक व ताला ने दी। तो जब सबको पिला दिया तो अब हुजूर की खिदमत में आया, तो हुजूर मुस्कुराए, देखो क्या हुआ। तो हुजूर ने कहा अब पियो तुम, हुजूर ने अपने से पहले तरजीह दी, पियो तुम अब। तो पी लिया, फिर देने लगे थोड़ा सा पी के, और पियो, फिर देने लगे और पियो, बार बार कहते रहे। तो फिर कहने ला अजीदु लहू मसलकन, अब तो गुंजाइश ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है अंदर जाने का। तो इतना पिया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में पिया। तो बहरहाल इतनी कुर्बानी दी इन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने। जब फतहुत हुई तो काटन के कपड़े पहन रखे थे, उसी में उन्होंने कुछ बलगम आया तो एक किनारे पर बलगम निकाला, तो कहने लगे ओहो आज तो अबू हुरैरा काटन के कपड़े में बलगम निकालता है। कभी वो ज़माना था कि गरीबी की वजह से गशी तारी हो जाती थी, खुद ही उन्होंने कहा। अल्लाह ताला लाता है वक्त भी, कुर्बानी देता है जब। तो बहरहाल ये अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं। हदीस क्या है? हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन अल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह तबारक व ताला पाक है और पाकीज़ा ही को कबूल फरमाता है। पाक है यानी बेऐब है, अल्लाह के अंदर कोई खुब्स नहीं, कोई गलाजत नहीं, हर एतबार से जुल्म से पाक है,
हर तरह की गलाजत से पाक है, बिल्कुल अल्लाह तबारक व ताला पाकीजगी ही पाकीजगी अल्लाह की ज़ात के अंदर, और जिसमें पाकीजगी हो वही चीज़ कबूल फरमाता है। अमल में अगर आपके रिया हो जाएगी, अमल में गंदगी हो जाएगी तो कबूल नहीं होगा। इसीलिए नमाज से पहले तहारत का हुक्म है, और इसीलिए सदका व खैरात में अगर हराम से कोई सदका व खैरात देगा तो कबूल नहीं किया जाएगा। हदीस में है कि ला तुकबलु सदकतु मिन गुलूलिन, जो चोरी के माल माले गनीमत में से चोरी कर लेता है उसका सबका कबूल नहीं होगा। इसी तरह से हराम से भी कबूल नहीं होगा। बहुत सारे लोग हराम को सदका कर देते हैं तो वो डबल गुना का मुर्तकिब होते हैं, एक तो हराम कमाने का और फिर हराम को सदका करने का। फिर क्या किया जाए साहब, हराम पैसा है तो हराम पैसा है तो सदका ना करो, वो सब निकाल दो ऐसे ही, सदके की नीयत नहीं की जाएगी, वो सब गरीबों को बगैर नीयत के दे दिया जाएगा कि हमारा पैसा है ही नहीं, फिर पाकीज़ा कमाओ फिर उसमें से सदका करो, क्योंकि तो सदका तो मतलब अल्लाह के करीब होने के लिए किया जाता है। तो सदका फिर हराम माल आ गया तो क्या किया जाएगा साहब, कि वो ऐसे ही दे दिया जाएगा, गरीबों का है हम भी नहीं खा सकते उसको। तो फरमाया कि अल्लाह ताला पाकीज़ा है, पाकीज़ा ही को कबूल फरमाता है, इन्नल्लाह तय्यिबुल ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने पाकीज़ा खाने का हुक्म रसूलों को भी दिया और मोमिनों को भी दिया कुरान में। फिर हुजूर ने दो आयतें पढ़ी, एक आयत में रसूलों को खिताब है और एक आयत में मोमिनों को खिताब है। या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलों पाकीज़ा खाओ और नेक अमल करो। तो नेक अमल का बाद में जिक्र है, पहले पाकीज़ा खाने का जिक्र है। तो पाकीज़ा जब खाएंगे जब ही नेक अमल की तौफीक होगी और नेक अमल कबूल होगा। और मोमिनों से भी कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, ये जो हमने दिया है उसमें पाकीज़ा खाओ और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। शुक्र भी बाद में अदा होगा, जब पहले पाकीज़ा खाओगे तो शुक्र की तौफीक भी मिलेगी और अल्लाह ताला कबूल भी फरमाएगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया कि लंबे लंबे सफ़र करता है, खूब सफ़र कर रहा है, सफ़र में दुआ कबूल होती है, लेकिन वो दुआ भी कर रहा है सफ़र में, या रब्बी या रब्बी, उसका खाना हराम, व मतअमू हरामुन, व मशरबू हरामुन, उसका पीना हराम, व मलबसू हरामुन, लिबास हराम का पहन रखा, व गुज़िया बिल हराम, पूरा जिस्म परवान चढ़ाए हराम खाकर, खाना युस्तजाबु लहू, उसकी दुआ कहाँ से कबूल होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ कबूल नहीं होती है। तो उलमा ने इस हदीस को फरमाया, ये हदीस इस्लाम की बुनियादी चीज़ों को बयान करने में जो चंद हदीसें हैं 5-10 उनमें से एक हदीस है, इसमें खाने पीने की पाकीज़गी और हलाल पर उभर आ गया। ये इस्लाम का एक कायदा है, इस्लाम के जो अहम कवायद हैं उसमें से एक कायदा है इस हदीस के अंदर। लेकिन इस सिलसिले में हम लोग कुछ ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा कि कैसा खाना है, कैसा पीना है, कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है। इस सिलसिले में मिसाल के तौर पर ये जो बैंक में हम जमा करते हैं पैसा, तो सूद जो आता है ये नाजायज़ है, इंटरेस्ट बहुत आता है जितना पैसा होता है उसके एतबार से, तो नाजायज़ है। अब वो खा नहीं सकते, वरना वो सदका कर सकते हैं। अब उसको अलग से निकाल के पूरा जोड़ के वो उसमें डिटेल आ जाती है उसमें स्टेटमेंट में, तो उसमें आप निकालेंगे कि ये इतना हुआ है हमारा और ये सब, फिर क्या करना चाहिए, गरीबों को दे देना चाहिए बगैर सदके की नीयत के, कि वो हमारा है ही नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, क्या करते हैं वो कि वो 10,000 रुपये जमा, ऐसी स्कीमें निकलती हैं 10,000 रुपये जमा कर दो और 5 साल बाद 20,000 हो जाएगा या 10 साल बाद 30,000 हो जाएगा, तो वो सूद है, वो खबीज है, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा, वो खाना पीना सब हराम होगा। बहुत सारे लोग शादी के बहाने से कि बेटी की शादी करेंगे, बेटी के नाम से क्या करते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, वो भी नाजायज़ है। तो ये जो है सूद जायज़ नहीं है। ऐसे ही जो कमाया जाता है उसमें अगर मिलावट कर रहे हैं
तो वो नाजायज हो जाएगा। और जो नंबर दो से कमा रहे हैं, नौकरी करने वाले जो खुद अपनी तरफ से कटवाते हैं कि डबल हो जाए, वो नाजायज है, वो भी सूदी के हुक्म है। हाँ, जो सरकार खुद काटती है और फिर उस पर देती है, वो अपना इख्तियार नहीं हो, आप कहो या ना कहो काट, वो उसमें तो उलमा ने इजाजत दी है कि वो तो खुद काट रहे हैं। लेकिन जो हम कहते हैं कि ये हमारा जमा कर लो इतना हमारी तनख्वाह में से और फिर वो देते हैं, तो वो बढ़ा कर देती है, वो नाजायज है, जो अपन खुद अपने इख्तियार से करते हैं। तो कई चीजें हैं जिसमें हम लोग मुलव्वस हो जाते हैं, हालांकि हम समझते नहीं है कि ये हराम है या हलाल है। और बहुत सारे लोग तो समझते भी हैं कि हराम है और फिर भी करते हैं। तो बहरहाल ये जायज नहीं है, और यही इस हदीस में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला पाकीज़ा है, अगर हमारा खाना पीना ही खबीज होगा तो कहाँ से हमें अमल की तौफीक मिलेगी, कहाँ से हमारी नमाजें कबूल होंगी, हमारी दुआएं कबूल होंगी। हम दुआ जितनी करें, गिड़गिड़ा के सफर में है तो दुआ कबूल होना चाहिए, खूब खुशू के साथ कर रहा है लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही है। इसलिए हमें एक एक बात पूछना चाहिए कि ये जायज़ है कि या नाजायज़ है, ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये पैसा हमारे पास है इसका हम क्या करें। तो अगर ज़कात नहीं निकाली है तो पूरा माल खबीस हो जाएगा, जब तक पूरी ज़कात अदा नहीं करेंगे वो। तो इसलिए हमें हलाल खाने की तरफ तवज्जो देना चाहिए। कोई अगर दावत करे और हराम ही हराम का उसका पैसा हो तो उससे एहतियात करना चाहिए। अगरचे वो आपकी दावत कर रहा है, गुनाह उस पर होगा, लेकिन हमें मालूम है कि जिसका इसका हराम ही हराम है तो एहतियात करना चाहिए जहाँ तक हो सके। हाँ, अगर उसका हलाल भी है हराम भी है तो फिर गुंजाइश है कि इजाज़त दे दी उलमा ने कि हलाल और हराम दोनों है तो हम दावत खा लेंगे उसकी, क्योंकि हम ये क्यों समझे कि हराम ही से उसका हलाल का भी है तो हलाल में से हमारा हो जाएगा जो हमें खिलाएगा, हराम का वो जाने क्योंकि वो कमा रहा है, लेकिन हलाल भी है उसका माश का जरिया और हराम भी कमा रहा है। लेकिन नंबर एक पूरा 100% टोटल हराम है तब तो फिर एहतियात करना चाहिए। बहरहाल बहुत ही एहतियात की ज़रूरत, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो देंगे इंशाल्लाह तो हो सकता है। ये अहम चीज़ है, दीन की अहम बात है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिह।